नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। हमारे साथ जुड़ गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। और अनिल जी, पिछली क्लास में हम बायबैक समझ रहे थे और हमारे सवाल खत्म नहीं हो रहे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा डिटेल में हम समझ भी रहे हैं और आसानी से समझ रहे हैं। बायबैक का प्रोसीजर यहाँ तक हम समझ चुके हैं, लेकिन बायबैक में अब हिस्सा कौन कौन ले सकता है? बायबैक में हिस्सा वो सब लोग ले सकते हैं जिनके पास शेयर है रिकॉर्ड डेट के दिन। भाई जो शेयर है वही तो बेचेगा। हाँ, जिनके पास है शेयरधारक। शेयरधारक। अब शेयरधारक कौन हो सकते हैं? एक तो आपके मेरी तरह के रिटेल इन्वेस्टर हमारे दर्शक, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, FIIs। इन सब से हटकर भी एक और प्रजाति है जो बायबैक में भाग ले सकती है, वो है प्रमोटर्स। आमतौर पर प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर खरीदते बेचते कम है, बेचते तो बहुत ही कम है। ओके। आमतौर पर खरीदते ही हैं, अपनी स्टेक बढ़ाते हैं अगर अपने उनको कंपनी अच्छी लग रही है, बिजनेस अच्छा लग रहा है तो वो और खरीदेंगे जी, राइट। ऐसे में आप सोचेंगे कि बायबैक में प्रमोटर बेच रहे हैं, बेच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बेच सकते हैं, उनको हक है। लेकिन वो बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट है उनको, तो भाग लेने की जहां तक बात है, भाग तो हर एक शेयर होल्डर ले सकता है, कोई भी रहने दो, चाहे फिर वो रिटेल हो, चाहे कोई सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी के प्रमोटर कौन है? सरकार। बिल्कुल ठीक है, सरकार है तो सरकार भी बायबैक में हिस्सा ले सकती है, वो अपने शेयर बेच सकती है। तो बायबैक में हिस्सा लेने का अधिकार सबको है, किसी भी कैटेगरी का शेयर होल्डर। अच्छा, लेकिन ये प्रमोटर्स जब बेचते हैं तो फिर इसके मायने क्यों बेच रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बायबैक किस लिए लाया जा रहा है। उसमें बायबैक का मकसद समझना बहुत जरूरी है। अगर बायबैक वाकई में इस लिहाज से लाया जा रहा है कि कंपनी के पास बहुत बड़ा कैश है और कंपनी नए बिजनेसेस में या पुराने बिजनेसेस में नहीं डालना चाहती है और बैलेंस शीट में कैश रहता है तो वो रेशियोज खराब करता है, इन द सेंस कि आप कैश पे उतनी कमाई तो कर नहीं सकते जितने बिजनेस से कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 8-9% मुश्किल से मिलेगा, वहीं आपका कारोबार अगर 20-25% बनाकर दे रहा है तो आप क्यों करना चाहेंगे ऐसा? तो इसलिए फिर आप बायबैक में शेयर वापस दे देना चाहते हैं, तब तो एक अलग बात हुई। लेकिन दूसरा तरीका आजकल क्या हो गया, डिविडेंड के बदले भी बायबैक लाया जाता है। हाँ। है ना, तो डिविडेंड के बदले में बायबैक क्यों लाया जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान ही प्रमोटर्स को है और वो टैक्स से बचना चाहते हैं, वो टैक्स से बचना चाहते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा जो डिविडेंड पे टैक्स लगने लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बायबैक आता है, प्रमोटर कहते हैं कि हम भी बायबैक में भाग लेंगे, हम भी हमारे शेयर देंगे, जितने एक्सेप्ट होंगे ठीक, नहीं तो हमारे हैं वो तो है ही है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रमोटर्स भी बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं और लेते भी हैं, खरीद या बेच सकते हैं, लेते भी हैं, बिल्कुल ले सकते हैं और लेते भी हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और है इसमें, कौन कौन भाग ले सकता है उसमें मानसी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो ध्यान में रखनी चाहिए। जिस तरह से आप पब्लिक इश्यू में पैसा लगाते हैं ना, और वहाँ कोटा है सिस्टम है ना, QIB अलग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NIIIHNI इन्वेस्टर है, रिटेल भी है, है ना, तीन है ना। हाँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिटेल इन्वेस्टमेंट। हाँ, मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा रिटेल की है, यहाँ भी है। हाँ, बायबैक में भी है, यहाँ पर भी। हाँ, बायबैक में रिटेल इन्वेस्टर्स दो ही कैटेगरी है, एक रिटेल और एक नॉन रिटेल। अच्छा, तो रिटेल का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, वो इंडिविजुअल अकाउंट जिनके पास सिर्फ 2 लाख रुपए तक के शेयर है रिकॉर्ड डेट के दिन, वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। और आमतौर पर बायबैक में 15% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व है, 15%। ठीक है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि दूसरी कैटेगरी और बाकी बची हुई सारी एक ही साथ है, उसमें प्रमोटर भी आ गए, इंस्टीट्यूशन भी आ गए, हाँ 2 लाख से ज्यादा वाले सब आ गए। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए की जो लिमिट है, हाँ, इसको कैसे गिनेंगे आप? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना आप। ओके, पब्लिक इशू आता तो आपको पता है कि जिस प्राइस पे इशू आ रहा है उस, तो एप्लीकेशन की साइज आपकी 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये बायबैक में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, और इसी वजह से वो कब रिटेल से नॉन रिटेल कैटेगरी में पहुंच जाते हैं और रेशियो कम हो जाता है, एक्सेप्टेंस रेशियो। वो भी मैं बताता हूँ कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि जो बायबैक प्राइस है उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला निकालना है, न कि करंट मार्केट प्राइस का। समझिए, TCS ने बायबैक अनाउंस किया 2100 रुपये में, भाव चल रहा है 1800 रुपये। आप सोचेंगे 2 लाख रुपये तक का जो है रिटेल इन्वेस्टर है, तो मैं 1800 रुपये का दाम चल रहा है, मैं 1800 रुपये में शेयर खरीद लेता हूँ 2 लाख रुपये से कम करके, कम के हाँ फंस जाएंगे 2100 रुपये के हिसाब से। हाँ, अच्छा, और पता चला आपने 1800 के हिसाब से खरीदे,
ज्यादा हो गए शेयर और 2100 से मल्टीप्लाई करते हो 2 लाख से ज्यादा निकल गए सेकंड कैटेगरी, तो आप दूसरे कैटेगरी में चले गए। तो ये ध्यान रखिए, जिस प्राइस पर बायबैक आ रहा है 2 लाख डिवाइडेड बाई बायबैक प्राइस 2100, जितने शेयर आते हैं उससे ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो कंपनी जिस प्राइस पर बायबैक बेच रही दे रही है उसी के हिसाब से देखिए, मार्केट प्राइस तो हर सेकंड बदलती है ना। आप मार्केट प्राइस के बेसिस पे कॉमन सेंस है ना, उसमें ना उलझे। कैसे निकालोगे? बिल्कुल, सुबह कुछ अलग, शाम को कुछ अलग, और एक महीने बायबैक चल रहा है कि नहीं। तो आपको सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, आपका फॉर्मूला ये होगा कि जो प्राइस पे बायबैक आ रहा है 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई वो प्राइस बस यही, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2100 हमारा ये रिटेल कैटेगरी हो गया। उतने शेयर अगर आप अपने अकाउंट में रखेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में जाएंगे। अब ये रिटेल कैटेगरी का फायदा क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो एक बड़ा कॉमन सा शब्द है लेकिन समझना जरूरी है। आमतौर पर कंपनी के, सपोज कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कंपनी बोलेगी कि 100 के 100 ही वापस खरीदेंगे, जीरो इक्विटी तो कर नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, वो 2% खरीदेंगी, 5% खरीदेंगी, 10% खरीदेंगी, करेक्ट जी। तो अगर कंपनी 2% खरीद रही इक्विटी का बायबैक कर रही है या 5% इक्विटी का बायबैक कर रही है तो मेरे शेयर कितने लेगी, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूं ना। आप दुनिया भर, हाँ, आप टोटल 5% खरीदना चाहते हैं, समझिए। अब उस 5% में मेरे शेयर जाने के चांसेस कितने हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, दो बातों पर। पहली बात, आपको ये समझना होगा कि क्या प्रमोटर्स उस बायबैक में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि प्रमोटर्स बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है, बड़ा चंक होता है। अगर प्रमोटर्स हिस्सा नहीं ले रहे तो आपके ऑटोमेटिकली बायबैक की एक्सेप्टेंस प्राइस बढ़ जाती है, मतलब मौका ज़्यादा पड़ेगा। समझिए कंपनी की इक्विटी 100 रुपये की है, 40% हिस्सेदारी यानी कि 40 रुपये के शेयर प्रमोटर के पास है, बाकी 60 दूसरों के पास है। कंपनी कहती है हम 10% का बायबैक ला रहे हैं, प्रमोटर कहते हैं कि हम भी भाग लेंगे, तो हर 10 शेयर में से 1 शेयर एक्सेप्ट होगा, लेकिन प्रमोटर कहते हैं कि हम भाग ही नहीं लेंगे, तो हमारा दायरा बढ़, तो बचे हुए 60 शेयर में से 10 शेयर का बायबैक आ रहा है। बिल्कुल, तो अचानक से आपका रेशियो बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसलिए एक्सेप्टेंस रेशियो, और एक्सेप्टेंस रेशियो की अहमियत क्यों है कि 1800 रुपये भाव चल रहा है, 2100 पे बायबैक है, तो चलिए आप 2100 पे जब शेयर देंगे तो जितने शेयर गए वो तो ठीक, जो एक्सेप्ट नहीं हुए सारे के सारे, बाकी वो आएंगे, वो अगर आपको मार्केट में ऊपर की प्राइस में बेचने को मिले तब तो फायदा है। बिल्कुल, और अगर नहीं मिले तो आप बायबैक में भी नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक्सेप्टेंस रेशियो समझना बहुत जरूरी है, और एक्सेप्टेंस रेशियो समझने के लिए ये जरूरी है कि प्रमोटर बायबैक में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं तो कितना एक्सेप्ट होगा और नहीं ले रहे हैं तो कितना एक्सेप्ट होगा, ये एक अंदाजा लगाना होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये अंदाजा लगाना होता है कि रिटेल कैटेगरी में कितने इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो शेयरों के बायबैक में हिस्सा लेंगे जी। तो रिटेल कैटेगरी का वो भी देखना होता है आपको कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो उसके हिसाब से और उनका कोटा कितना है उस हिसाब से एक्सेप्ट होंगे, तो वो भी देखना जरूरी है। तो क्या ये मानना ठीक होगा कि किसी कंपनी के बायबैक में अगर प्रमोटर हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए वो बेहतर है? एकदम समझ गए आप, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रमोटर नहीं लेंगे तो हमारे शेयर ज्यादा जाएंगे, हमारे लिए ज्यादा दायरा बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर बायबैक में शेयर्स मंजूर हुए हैं या मंजूर नहीं हुए हैं ये हमें किस तरह से पता चलेगा? कंपनी बताएगी भाई आपको, और कैसे? इंटीमेशन आएगी भाई। आमतौर पर जब बायबैक खत्म होता है तो बायबैक खत्म होने के 7 दिन के भीतर भीतर कंपनी की तरफ से इंटीमेशन आता है कि आपके इतने शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हुए हैं, जो एक्सेप्ट नहीं हुए वो आपको वापस लौटा दिए जाते हैं, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। ओके, लेकिन हाँ, इसमें जब तक आपका बायबैक खत्म नहीं होता, जब तक वो कंपनी डिसाइड नहीं करती कि भाई आपके कितने एक्सेप्ट हुए हैं, तब तक वो शेयर कंपनी के पास रहते हैं, तो वो बीच के 5-7 दिनों के पीरियड में आप बेच नहीं पाते शेयर, अगर आप बेच ब्लॉक हो गए एक तरह से, है ना, बायबैक बंद होने से लेकर जब तक वो बायबैक कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं उस पीरियड के बीच में आपके पास वो बेचने का थोड़े समय के लिए हक नहीं होता, राइट नहीं होता, वापस शेयर जब आ जाएंगे तभी आप बेच पाएंगे। तो कंपनी आपको 7 दिनों के भीतर भीतर बता देती कि आपके इतने शेयर एक्सेप्ट हो गए, बाकी शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, जितने शेयर एक्सेप्ट हुए हैं दाम तो फिक्स है जी, उस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, और मेल के जरिए या मेल के जरिए भी आ जाता है, इंटीमेशन आ जाता है, आजकल तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। आपके डीमैट अकाउंट से अगर आपने अपने मोबाइल को लिंक कर रखा है तुरंत मैसेज आ जाएगा आपके पास। चलिए, तो बायबैक की बारी क्या हम आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन अगर बायबैक रद्द हो गया तो क्या, ये हम समझाएंगे। वो भी होता है,
तो इसमें मतलब एवरी प्लस हैज इट्स माइनस, एब्सोल्युटली, तो इसे तो समझना बहुत ही जरूरी है. लेकिन रुकिए एक ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुरुकुल और हम समझ रहे हैं बायबैक. बायबैक रद्द भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं. ओके, ऑफ कोर्स. मतलब इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि कंपनी ने बायबैक का ऐलान कर दिया, मतलब होगा ही होगा. रद्द हो सकता है. रद्द होने के दो वजह, दो तरीकों से रद्द हो सकता है. सिंपल है मानसी. देखिए, कंपनी बायबैक करना चाहती है, ये कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है जी, प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है. ठीक है, मैनेजमेंट बोलेगा भाई कि पहली चीज क्या है कि कंपनी का अनाउंसमेंट आता है कि हम बायबैक के लिए बोर्ड बैठक बुला रहे हैं. हाँ, तो बोर्ड बैठक में डिस्कस होता है. तो जैसे ही कंपनी ने बोला हम बोर्ड बैठक बुला रहे हैं, बोर्ड बैठक में हम बायबैक डिस्कस करेंगे, वहां से आपको पता चलता है कि कंपनी बायबैक करने वाली. बिल्कुल क्लियर है. अब रद्द कब और कहां हो सकता है वो मैं समझा दूं. पहली रद्द होने की नौबत तो यहीं आ सकती है, बोर्ड बैठक में. समझिए, प्रमोटर ने या एमडी ने या किसी ने कहा भाई कि हम बायबैक करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो ऐसा वैसा, हमारा ये पर्पज़ है, वो पर्पज़ है. पूरा बोर्ड बोले कि जी नहीं, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है. अच्छा, क्या ज़रूरत है बायबैक करने की? ख़त्म. भाई कंपनी का बोर्ड ही अलाउ नहीं कर रहा था, आप बायबैक कैसे करोगे? यस, करेक्ट. तो पहली तो बोर्ड लेवल पर आ गई. उसके बाद बायबैक को शेयर होल्डर्स की मंजूरी भी चाहिए. आमतौर पर मिल जाती है जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है, तो आमतौर पर बोर्ड की मंजूरी भी मिलती है. 100 में से एक आध केस ऐसा हो जाए जो कि मंजूरी ना दे, बाकी तो मिलती है. इन सबसे गुजरना है बस. लेकिन आपको इन सबसे गुजरना है. दूसरी फिर शेयर होल्डर्स की मंजूरी होती है. शेयर होल्डर्स की मंजूरी भी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा स्टेक तो प्रमोटर के पास है. और आमतौर पर बायबैक प्रीमियम पर होता है, शेयर होल्डर के फायदे के लिए होता है, तो कोई मना तो करते नहीं है. बिल्कुल, तो आमतौर पर वो भी क्लियर हो जाता है. तो दोनों तरफ से ये दो रुकावट है. तीसरी रुकावट है रेगुलेटर्स की तरफ से. जैसा मैंने बताया ना, हर एक बायबैक सेबी को मंजूर करना है. हाँ. अगर सेबी को कोई भी वजह ऐसी लगती है कि बायबैक गलत किया जा रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन, सेबी मना कर सकती है. क्यों? सेबी क्या सोचती है? बायबैक आपको तब करना चाहिए जबकि आपके बैलेंस शीट में दम है, आपके पास कैश है. और दूसरा है कि बायबैक का इरादा आपका जो है करने का, वो शेयर का भाव मैनिपुलेट करने का, बिना मतलब भाव बढ़ाने का, ऊपर रखने का, ये नहीं होना चाहिए. इरादा साफ होना चाहिए. इरादा साफ होना चाहिए कि आप शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं. बहुत सारे प्रमोटर बदमाश होते हैं, बायबैक का ऐलान सिर्फ इसलिए करते हैं कि चले मेरे शेयर का भाव बढ़ जाए, है ना. वो एक इंडिकेशन देना चाहते हैं कि मेरा भाव चल रहा है 50 रुपये, मैं 200 रुपये पर बायबैक करूंगा. हाँ. कि मेरी शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, 150 है, 200 रुपये है. नहीं, हाँ, तो अचानक मार्केट को लगा अरे प्रमोटर इतना ऊपर में बायबैक करना चाहता है, इसका मतलब वाकई में कुछ तो होगा. तो सेबी सब पहचानती है, फिर ऐसी सिचुएशन में सेबी कई बार मना भी कर सकती है. दूसरी एक और रीज़न है सेबी की, सेबी बायबैक करने वाली कंपनी की बैलेंस शीट देखती है कि बैलेंस शीट में कैश है कि नहीं है. शो मी मनी, पैसा है तभी बायबैक करना दूंगा. हार्ड कैश, ओके, पैसा चाहिए. बायबैक बातों से नहीं होता. ये बोनस शेयर नहीं कि एक के दो हो गए. हाँ. स्प्लिट नहीं कि एक के दो हो गए. ठोस सबूत दिखाएं. डिविडेंड और बायबैक दोनों में पैसे लगते हैं. बिल्कुल. तो पैसे होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, या लिक्विड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आप बायबैक कर सकते हैं. दूसरा, बायबैक करने के बाद आपकी बैलेंस शीट की सिचुएशन और साइज प्रॉपर होनी चाहिए. उसके बाद भी हाँ, एक तरफ आपने भारी भरकम कर्ज ले रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप बायबैक कर रहे हो, तो बेवकूफ किसको बना रहे हो? अगर इतने पैसे तो पहले कर चुकाओ. बिल्कुल, है ना, लोन ले रखा है. तो ये सारी चीजों की जांच सेबी करता है. तो सेबी ये कहती है भाई बायबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना है. हाँ. ये ना, क्योंकि इक्विटी घट जाती है. हाँ हाँ. जैसे सपोज आपने 200 रुपये का डेट ले रखा है, 100 रुपये की इक्विटी है, ठीक है, तो आपका इक्विटी रेशियो 2:1 हो गया. 20 रुपये का आपने बायबैक कर दिया, तो डेट तो 200 ही है, इक्विटी 80 हो गई. तो आपका 2.5 हो गया डेट इक्विटी रेशियो. बिल्कुल. तो सेबी के नियम है कि बायबैक के बाद आपके डेट इक्विटी रेशियो इस तरह से मैनेज होने चाहिए. तो ऐसा नहीं आप एक तरफ तो कर्ज लिए जा रहे हो. हाँ, और दूसरी तरफ बायबैक कर रहे हो. तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो जहाँ पर बायबैक पर ब्रेक लग सकता है. तो रेगुलेटर लगा सकते हैं,
एक और तरीका और भी है जो गलत माना जाता है। हाँ। वही कई बार क्या ना, प्रमोटर ही कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं वापस, हमने वापस ले लिया प्रस्ताव। प्रमोटर कह देते हैं खुद ही, अनाउंस भी प्रमोटर ही करते हैं कि हमें बायबैक करना है, पीछे हट जाते, फिर पीछे हट जाते हैं। उसको लोग गलत तरीके से देखते कि भाई इसका मतलब क्लियर है कि आपका मकसद शेयर चलाना था, आपका मकसद अपना भाव ऊपर करने का था। और फिर वो क्या रीज़न तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे कि हमने रूल रेगुलेशन नहीं देखा था जी, हम फिट नहीं हो रहे हैं जी। अरे तो भाई आप पहले सब चीज़ पढ़ लो ना, सभी के रूल्स रेगुलेशन तो क्लियर है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, करने के पहले क्या होना चाहिए करने के बाद क्या होना चाहिए। आप आराम से, हड़बड़ी क्या है, ठीक है, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तो हाल ही में कुछ कुछ ऐसी कंपनियों का हुआ भी केस जिन्होंने बायबैक का ऐलान करके वापस मना कर दिया, और उसमें लोग बड़े परेशान हुए, नाराज भी हुए, सेबी को कंप्लेन भी की कि भाई आप ऐसा कैसे, उन प्रमोटर्स के अगेंस्ट में एक्शन लो जो बोलते हैं हम बायबैक कर रहे हैं, और छोटे इन्वेस्टर थोड़े गुमराह हो जाते हैं और उनको देख के शेयर खरीद लेते हैं, और बाद में पता चला बायबैक तो आ ही नहीं रहा, तो उसमें नुकसान भी हो जाता है बड़ा। ऐसी कंपनियों के साथ क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, तो भगवान जाने। अभी तक तो मैंने कोई एक्शन होते हुए देखा नहीं। लोग मांग करते हैं सेबी से कि भाई वो क्या होता है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, वो सारे रास्ते सब जगह है ना। प्रमोटर बोलेगा भाई हमने तो बायबैक की घोषणा की थी, बोर्ड में ले गए, बोर्ड ने मना कर दिया, बच निकल जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा होना चाहिए कुछ ना कुछ, आई एम श्योर सेबी कुछ ना कुछ करेगी, दो चार केस और हो जाएंगे तो कर देगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मैंने एक्शन किसी पे देखा नहीं। तो ये सबसे बड़ी रिस्क है कि कोई कंपनी का अगर मैनेजमेंट बाद में कह दे कि हम तो नहीं कर रहे जी, ठीक है, तो आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन रहते नहीं। फिर वही है कि आपने अगर ले लिया बायबैक की उम्मीद में, लेकिन फिर भी सेबी पूरी तरह से सतर्क है कि हमें बायबैक से कोई नुकसान इस तरह से ना, आमतौर पर कम होता है ऐसा कि बायबैक कैंसिल हो जाए, बहुत कम केसेस में होता है। और होता भी तो भी कोई टेक्निकल रीजन से हो सकता है, मसलन एलएनटी के केस में कि बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो जैसा चाहिए था कंपनी को, उससे अलग कंपनी का सोचना था कि हमारा स्टैंड अलोन पे देखा जाएगा, और सेबी का सोचना था कि हम पूरी एलएनटी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे सब्सिडीज वगैरह के साथ में। तो वो कभी कभी कॉन्सेप्ट मिसमैच होकर उस वजह से हो सकता है, लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन सबको पता है कि एलएनटी अच्छी मजबूत कंपनी है। ऐसे ही दूसरे एक दो केस ऐसे हुए, पीसी ज्वेलर्स या वक्रांगी जिन्होंने बायबैक कैंसिल कर दिया, तो वहाँ पर इन्वेस्टर अलग व्यू लेंगे, नेगेटिव व्यू लेंगे, एलएनटी के केस में शायद नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से प्रमोटर या रेगुलेटर बायबैक के लिए मना कर रहे हैं। तो प्रमोटर मना करते हैं नेगेटिव है, रेगुलेटर मना करता है तो उसके पीछे रीज़न देख लो, और वो रीज़न आपको समझ में आता है तो उस हिसाब से आप नेगेटिव या पॉजिटिव मान सकते हैं। तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस बायबैक अगर रद्द होता है तो शेयर प्राइस पर इसका असर क्या नेगेटिव ही होगा? आमतौर पर यस, नेगेटिव होना ही चाहिए, भले कंपनी अच्छी तब भी होगा। कि एक तो क्या होता है कि बायबैक की वजह से ना आपको ये पता है कि कंपनी इस भाव में खरीदने को तैयार है, चाहे वो ओपन ऑफर हो या ओपन मार्केट परचेज हो, तो आपको पता है सपोर्ट है। एक बड़ा इन्वेस्टर 5% 2% 10% इक्विटी खरीदने को तैयार खड़ा है, और वो रद्द हो जाए तो नेचुरली उसका सेंटिमेंट इफेक्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। लेकिन फिर एक बात समझाएं कि क्या बायबैक से मैं किसी तरह से रिस्क फ्री पैसे बना सकती हूँ? देखिए इक्विटी मार्केट में रिस्क फ्री जैसा तो कुछ नहीं होता मानसी, लेकिन हाँ आप मिनिमम रिस्क में बना सकते हैं। बायबैक में मैं ऐसा सोचता हूँ, बायबैक में कोई पैसा तोड़े तो बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी होगा, है ना। बिल्कुल, उसमें तो आप कैसे तोड़ेंगे? दो तरीके हैं, देखिए एक तो ये कि एक दो तरह स्टॉक्स को दो तरीके से कर लीजिए। एक स्टॉक तो वो है जहाँ पर जो एफएनओ में है वायदा कारोबार में, एक वो है जो वायदा कारोबार में नहीं है। जो कंपनियाँ वायदा कारोबार में नहीं है और बायबैक ला रही है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या कॉल लेना है कि बायबैक जिस प्राइस पर आ रहा है और जितनी क्वांटिटी है उसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा, उस एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से आप शेयर देंगे। सपोज आपने 100 शेयर दिए जी, 40 एक्सेप्ट होके आ गए, 60 जब वापस आएंगे तो वो 60 शेयर आप किस दाम तक बेचेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा जी, वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और उस दाम के हिसाब से आप ये सोच लो कि क्या इस कंपनी का फेयर वैल्यूएशन इस दाम के ऊपर का है क्या, तो वो एक थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको एक डिसीजन लेना है। ये तो हो गया कैश मार्केट की कंपनियों के बारे में। वायदा कारोबार की कंपनियों के बारे में एक तरीका है जो कुछ हद तक इसको रिस्क फ्री बना सकता है, एक्सेप्टेंस रेशियो तो यहाँ भी आपको समझना होगा कि कितने एक्सेप्ट होंगे। देखिए पूरे वायदा कारोबार में रिस्क फ्री पैसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें, पहला एक्सेप्टेंस रेशियो सही सही समझना कि कितना हो सकता है, जो आसान काम नहीं है। दूसरा बायबैक खत्म होने के बाद शेयर का दाम क्या चलेगा जी, वो दूसरी चीज़ है।
क्या हो सकता है वो अंदाजा लगाने की बात होगी। तो मैं कई बार कहता हूँ कि सपोज आपके घर में 5 फैमिली मेंबर जो कि आपके हैं, ठीक है, आप 5ों के डीमेट अकाउंट खुलवा लो। सपोज TCS का बायबैक आया है, आपको रिस्क नहीं लेनी है, 1800 रुपये में आपने TCS मार्केट से ख़रीदा और आपको पता है कि रेशियो अगर 70-80% आ रहा है या आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 5ों अकाउंट में 2-2 लाख रुपये तक के TCS ले लिए, बायबैक में दे दिए ताकि आपको नेचुरली एक्सेप्टेंस रेशियो ठीक ठाक आ जाए। सामने एक लॉट फ्यूचर का बेच दीजिए, है ना, तो आपकी रिस्क हेज हो गई। और आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि मैं आज 1800 में ले रही हूँ, 2100 में बेच रही हूँ, इतना चला गया, बचा हुआ शेयर मेरा ये रहेगा, वो आप कैलकुलेशन करते तो कुछ हद तक रिस्क बिल्कुल फ्री पैसा बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। चलिए, तो रिस्क फ्री बायबैक कैसे बन सकता है ये भी हमने आपको समझा दिया, और सही सटीक और डिटेल तरीके से बायबैक को भी हमने समझ लिया। लेकिन जाते जाते गुरु ज्ञान, हाँ, मानसी जैसे कहते हैं कि हर एक चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, डायमंड, वैसे ही हर एक बायबैक का ऐलान करने वाली कंपनी अच्छी नहीं होती और हर एक बायबैक शेयर होल्डर के फायदेमंद नहीं होता, ठीक है, सतर्क रहे। तो बायबैक को अच्छा माने या खराब, इसमें आपको दो चीजें देखनी है और वो दो चीजें अगर आपने देख ली तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बायबैक की प्राइस और बायबैक की साइज। जितनी ज्यादा प्रीमियम पे बायबैक आ रहा है मार्केट प्राइस से और जितनी बड़ी साइज का बायबैक आ रहा है उतना अच्छा, ठीक है। मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं, क्या वाकई में कंपनी शेयर खरीदना चाहती है या डिविडेंड के बदले में छोटा सा बायबैक दे रही है, मेरे लिए तब प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है जी। भले ही कंपनी का भाव 1000 रुपये चल रहा है, मैं 1500 में बायबैक करूंगी और करूंगी कितना, 0.5% इक्विटी का, अरे तो फिर उसमें फायदा क्या है, नाम का बायबैक कर रहे हो आप, बिल्कुल, है ना। तो बायबैक की क्वांटिटी और बायबैक की प्राइस दोनों बहुत अहम है, और अगर आपने ये दोनों चीज़ समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ सकता है, बायबैक में आप शेयर देंगे तो कितने एक्सेप्ट होंगे, बचे हुए शेयर जब वापस आएंगे तो उनका भाव आपकी परचेज प्राइस से ऊपर का रहेगा या नहीं रहेगा, और उसी के दम पर आप बायबैक में पैसा बनाएंगे। लेकिन हाँ, बायबैक में पैसा बनता है, अच्छा बनता है, पैसा बनता है, रिस्क फ्री भी बनता है काफी हद तक जी, मिस मत करिएगा कभी भी, बिल्कुल। तो प्राइस और साइज दोनों का ध्यान रखें और बायबैक में हिस्सा लें। इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ, नमस्कार।